आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 2020-21 की वर्कशीट जो है माह जनवरी के लिए कक्षा सातवीं के लिए वर्कशीट है। विषय है अंग्रेजी सामान्य। सबसे पहले आपको यहाँ विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, साला का नाम और कक्षा फिल करना है। आइए देखते हैं इस वर्कशीट को। 20 मार्क्स आपके पास है इस वर्कशीट के अंतर्गत। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेने हैं। जो भी निर्देश दिए गए हैं उसे अच्छी तरीके से पढ़े करें। यहाँ पर एक निर्देश में हम देखते हैं माता पिता, मित्रों, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा कर आप ये वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हो। आइए देखते हैं इस वर्कशीट को आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट्स एनी टू। कोई दो आपको यहाँ पर करना है। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आ बोट, यहाँ पर हमें बोट फिल करना है। सेल्स ऑन द रिवर्स। विनोद वेंट टू भोपाल, हमें यहाँ फिल करना है। द मर्चेंट मेट एन ओल्ड मैन, यहाँ पर हमें फिल करना है। आफ्टर दिस माई बुक इज बेटर, हमें यहाँ पर यूज करना है। जब भी देन का प्रयोग किया जाता है बेटर का हमें यूज करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द गिवन प्लेस एनी टू। आपको कोई दो करना है। हाउ मेनी कलर्स डज अ रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं। द आंसर इज 7 कलर। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर्स, यहाँ पर आपको 4 फिल करनी है। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बिग इज, बिग की सुपरलेटिव डिग्री आपको बताना है जो कि बिगेस्ट होती है। द बुक इज ऑन द टेबल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। वन हु सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल, ये लेसन नंबर 7 द लॉस्ट कैमल से लिया गया है। आपको बताना है कौन अपने ऊँट को खोज रहा था। द टू मर्चेंट्स, दो व्यापारी जो है वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल, दो मर्चेंट्स अपने कैमल को, खोए हुए कैमल को देख रहे थे। हु इज चैटर बॉक्स, कौन ज़्यादा बातूनी है। बिस्नी इज अ चैटर बॉक्स, ये आपको लेसन नंबर 12 वन वे टिकट में देखने को मिलेगा। सी नंबर इज वेयर डू द क्लाउड सेल, जो बादल है वो कहाँ तैरते हैं। लेसन नंबर 1 में आपको द रेनबो में देखने को मिलेगा। द क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई, क्लाउड जो है आसमान में तैरते हैं। कैन एनीवन ट्रेवल इन अ ट्रेन विदाउट टिकट, ये लेसन नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगा। द क्राउडेड ट्रेन, क्या कोई व्यक्ति बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकता है। आंसर इज नो वन, नो वन कैन ट्रेवल इन अ ट्रेन विदाउट टिकट। इस प्रकार हम अपने आंसर को यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोई दो ही आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पोएम आई लव लिटिल पुसी एंड आंसर द क्वेश्चंस। आई लव लिटिल पुसी को पढ़ना है और आपको उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन विद द पोएम। आपको पोएम में एक पिक्चर दिया गया है जहाँ पर एक गर्ल्स है, एक गर्ल अपनी जो पुसी कैट के साथ खेल रही है उसे कुछ खिलाती भी है। तो हम लिख सकते हैं वी सी अ गर्ल इज प्लेइंग विद द पुसी कैट, एक गर्ल है जो कि खेल रही है पुसी कैट के साथ। सी गिव्स इट मिल्क, वो उसे मिल्क देती है। सी फीड्स कैट, वह कैट को फीड्स यानी खिलाती भी है। इस प्रकार हम यहाँ पर ये लाइन्स लिख सकते हैं। इसी के आगे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट द राइमिंग वर्ड्स यानी कि समान ध्वनि वाले शब्द आपको बताने हैं। वार्म का हार्म होता है, अवे का प्ले, ये भी आपको पोएम्स के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड आपको यहाँ इसमें देखने को मिलेगा, जो आपको निर्देशानुसार कार्य करना है। इसमें आपको देखेंगे यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में आपको क्रिया जो दी गई है उसका सही रूप भरना है। रेन का होता है रेन, यहाँ आपको ईडी का प्रयोग करना है। बी इज यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल का यूज करना है, ए एन द का। ही इज ईटिंग एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पर ए का उच्चारण किया जा रहा है इसलिए हमें एन का प्रयोग करना होगा। सी इज राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, अपोजिट बताना है आपको, जैसे ब्लैक का अपोजिट क्या होगा। तो ब्लैक का अपोजिट देखिए हमने वाइट यहाँ पर कर दी है, आई हैव अ वाइट शर्ट। नेक्स्ट डी इज राइट द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन लिखना है। मैंगो का बहुवचन होता है मैंगोज, आपको ई एस का यहाँ प्रयोग करना है। बॉय में बॉयस हो जाएगा, एस का प्रयोग बस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द ओड वर्ड्स फ्रॉम द
गिवन वर्ड्स एंड राइट, आपको अलग शब्द चुनकर लिखना है। मैंगो एप्पल नाइफ ऑरेंज, मैंगो यानी आम, एप्पल यानी किसी, नाइफ यानी चाकू, ऑरेंज यानी संतरा। तो नाइफ जो है यहाँ पर ऑड वर्ड है। रिवर पॉन्ड सी रोड, रिवर एंड नदी, पॉन्ड एंड तालाब, सी यानी समुद्र, ये पानी वाली जगह है तो ऑड वर्ड इज रोड। स्माइल लाफ वीप फेस, स्माइल यानी हंसना, लाफ यानी भी हंसना, वीप यानी कि रोना होता है। यहाँ पर ये वर्ड जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। बुक में आपको यहाँ चकल दिया रहेगा जो कि जिसका अर्थ भी होता है हंसना मुस्कुराना, तो वीप हमें यहाँ पर लिखना होगा उसके आधार पर। वाइट कार ब्लैक ग्रीन, वाइट ब्लैक और ग्रीन ये रंगों के नाम है, कार यहाँ पर डिफरेंट वर्ड है, इसे हमें यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट आपके लिए है एक प्रोजेक्ट वर्क जो कि प्रोजेक्ट के रूप में आपको करना है। कंप्लीट द वर्ड पजल, यहाँ पजल करना है आपको। एक पहेली है बाय रीडिंग देयर मीनिंग्स और डिफिनेशंस, आपको पढ़कर आपकी डिफिनेशन बताना है उसे, इस शब्द को पूरा करना है। स्ट्रक्चर अक्रॉस अ रिवर रोड, रिवर में बना हुआ कोई स्ट्रक्चर जो रोड को जोड़ता है, ब्रिज जिसे हम पुल भी कहते हैं, BRIDGE। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ओवर, जहाँ पर एरोप्लेन खड़े होते हैं निकलते हैं, उस जगह को बोला जाता है एयरपोर्ट, AIRPORT। दिस रन्स ऑन रेल, जो पटरी पर चलती है, ट्रेन, TRAIN। अ पीस ऑफ पेपर दैट गिव्स द राइट टू एडमिशन इन अ ट्रेन और अ बस, एक छोटा सा टुकड़ा जैसे कि ट्रेन और बस में हमें चढ़ते समय लगता है, दैट इज कॉल्ड टिकट, TICKET। अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पानी का बहाव एक जगह से दूसरी जगह तक नेचुरल रहता है, प्राकृतिक रहता है, दैट इज कॉल्ड रिवर, RIVER। द प्लेस वेयर वी लीव, जहाँ हम रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाउस, HOUSE। इस प्रकार आप इस प्रोजेक्ट वर्क को कर सकते हैं। आगे भी आपको एक और प्रोजेक्ट वर्क के रूप में देखने को मिलेगा। सी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। आपको ये पिक्चर है जो कि लेसन नंबर 5 द क्राउडेड ट्रेन से ली गई है। आपको यहाँ दिख रहा है 7 पीपल्स आर देयर, TTE दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ऊपर दिए गए चित्र आपके पाठ्यपुस्तक के पाठ से लिया गया है, उस पाठ का नाम लिखना है आपको। द वो पिक्चर इज फ्रॉम द लेसन, आपको लेसन का नाम लिखना है, एंड द लेसन नेम इज द क्राउडेड ट्रेन, जो आपको लेसन नंबर 5 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पिक्चर, ओनली 7, आपको 7 बस लिखना है, 7 पीपल आर देयर इन द पिक्चर, 7 लोगों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो इस प्रकार हम इस प्रोजेक्ट वर्क को आसानी से कर सकते हैं। आपको बताना है द मेन स्टैंडिंग नियर द डोर इज, कौन जो खड़ा हुआ है वो TTE है, जिसे हम कह सकते हैं ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज इट, हाँ यह कौन सी जगह है, तो आप ये ट्रेन का कोच हो है, या AC कोच लिख सकते हो, या कंपार्टमेंट लिख सकते हो, ये तीनों में से कोई एक ही आपको लिखने हैं। सी क्वेश्चन इज द मैन स्टैंडिंग नियर द डोर इज हेल्पिंग द पैसेंजर, जो पास में खड़ा हुआ मैन है वो हेल्प कर रहा है पैसेंजर्स की यानी कि यात्रियों की। कैन यू नेम एनी 2 पीपल हु हेल्प्स अस, ऐसे 2 व्यक्तियों के आप नाम बता सकते हैं जो हमारी मदद करते हैं, तो हम लिख सकते हैं TTE जैसे एग्जाम्पल है, टीचर जो हमारी मदद करते हैं, फ्रेंड वो भी हमारी मदद करते हैं। तो इस प्रकार आप अपना वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे नंबर पा सकते हो। आगे फिर कोई नई वर्कशीट के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।